आप बिल्कुल वहां जाकर आप गाड़ियों को ले सकते हैं। और साथ में मैं दीपक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने समिति के लिए रेफरी पैनल के लिए विशेष तौर पर रेफरी पैनल के लिए उन्होंने जर्सी प्रदान की है। मैं आयोजन समिति की ओर से उन्हें मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। चंदन अरे गोल हो गया। हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं आप लोग, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम करेंगे। मेरा नाम दोस्त, मैं आज आपको जैसे कि जटन टॉप लग वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो आज स्पेशली आगे दोस्तों फिर से गिना बार का खेल मैदान, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फुटबॉल मैच चल रहा है और फुटबॉल मैच दोस्तों 3 बजे से स्टार्ट फाइनली हो जाता है। फिलहाल दोस्तों मैं लगभग 4 बजने वाला है और पहुँचा हूँ लगभग दोस्तों, कुछ बहुत मैच खत्म भी हो गया है, लेकिन जो भी मैच बचा है दोस्तों उस चीज़ को दिखाऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों बंदे बुड में देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों मैच फाइनली स्टार्ट हो चुका है और ये मैच दोस्तों दूसरा मैच है और इसके बारे में मैं स्पेशली संदीप भैया से जानकारी लूंगा, क्योंकि आज का जो मैच शेड्यूल है दोस्तों उसके बारे में मैं संदीप भैया से बताऊंगा, तभी जाकर आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मेरे को थोड़े बहुत जानकारी है, उसके हिसाब से बता दे रहा हूँ दोस्तों, अभी नाइट राइडर्स गिनाबार की जो टीम है वो जो आथा टीम है उस टीम को 3 गोल कर दिया है, ऐसे मुझे बताया गया, तो उसी के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। और जो ब्लू कलर का ड्रेस है दोस्तों वो है आस्था बनौरा, बोले तो आस्था साइड की, और ब्लू बोले तो स्काई ब्लू और ये पिंक कलर है दोस्तों, ये टीम है नाइट राइडर्स गिनाबार। तो फिलहाल दोस्तों जो मैच चल रहा है वो जबरदस्त चल रहा है दोस्तों, क्योंकि 3 गोल की बढ़त पे है नाइट राइडर्स और आस्था है दोस्तों 3 गोल की 0 मतलब कि पिछड़ा हुआ है अभी दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों कुछ कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो फिलहाल दोस्तों अभी देखते हैं, हाफ टाइम का समय नहीं हुआ है और अभी दोस्तों देखते हैं हाफ टाइम के बाद कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और मौसम भी दोस्तों थोड़ा पानी वानी गिरने का संभावना जताया जा सकता है और देखते हैं दोस्तों क्या होता है मैच का आंखों देखा हाल। फिलहाल दोस्तों आज का जो मैच है उसके बारे में दोस्तों स्पेशली जानकारी देंगे हमारे संदीप भैया। और दोस्तों आज का जो मैच कौन कौन सा टीम हुआ और कितना कितना गोल से क्या क्या हुआ सारा चीज को दोस्तों स्पेशली बताएंगे और कितने समय से मैच स्टार्ट हो जाता है उसको बताएंगे। तो फिलहाल सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए और थोड़ा सा यहाँ का जो भी भूमिका है उसको भी बता दीजिए। वैसे दशरथ जी आपका सबसे पहले हार्दिक स्वागत है जी, हार्दिक अभिनंदन है। और विगत आप 4 वर्षों से हमारी इस ग्रोटो लाइन गिनाबार नकआउट युवा फुटबॉल समिति से जुड़ गए हैं और सभी जानते हैं जो दशरथ भाई का जो यूट्यूब चैनल है, मैं बार बार उनके इस चैनल पे जरूर दिखता हूँ फुटबॉल के माध्यम से, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो ज़रूर मैं दशरथ भाई के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। और मैं संदीप मीन सैंडी के नाम से मुझे जानते हैं। और आज जो है हमारे काफ़ी समिति के संरक्षक भी इधर पीछे हमारे साथ बैठे हुए हैं, साथ में समिति के जो अध्यक्ष हैं हमारे बीच मौजूद हैं आज। और आज 4 मैच खेला जाना है। पहला मैच बरडाड़ वर्सेस सेलेमंडा के बीच खेला गया, जिसमें बरडाड़ की टीम 3-0 से मैच जीतकर अगले राउंड में पहुंच चुकी है। और अभी जो दूसरा मैच चल रहा है नाइट राइडर्स गिनाबहार वर्सेस एफसी आस्था, जो जशपुर क्षेत्र से आई हुई है, और अभी फर्स्ट हाफ का मैच समाप्त हो चुका है। और फर्स्ट हाफ में नाइट राइडर्स गिनाबहार की टीम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दबदबा बनाई हुई है, लेकिन फुटबॉल का मैच है, सेकंड हाफ का मैच अभी बचा हुआ है दशरथ जी। जी, और जो अभी रिजल्ट है वो कैसे है उसको ही बता दीजिए। नाइट राइडर्स 3-0 से बढ़त बनाई हुई है जी, और बिल्कुल जीत के कगार पर है, लेकिन फुटबॉल का मैच है, सेकंड हाफ में कुछ रणनीति के माध्यम से जो है आस्था की टीम मैच को जीत सकती है कहना काफ़ी मुश्किल है। हमें रेफरी का अंतिम विशील का हमें इंतजार करना होगा। और इस टूर्नामेंट का फाइनल का जो मैच है 18 तारीख रविवार के दिन खेला जाएगा दोस्तों। धन्यवाद भैया। तो फिलहाल दोस्तों जो मैच का आंखों देखा हाल है उसको दिखाऊंगा और आपको दोस्तों बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अभी हाफ टाइम का जो समय था वो समाप्त हो चुका है, अभी दोस्तों मैच स्टार्ट हो जाएगा और आस्था की जो टीम है दोस्तों वो इधर चल जाएगी और इधर जो नाइट राइडर्स है गिनाबहार वो इधर आ जाएगी। तो फिलहाल अभी तो दोस्तों देखते हैं कौन सी टीम
आज के मैच को जीतती है तो फाइनली पता चलेगा दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो बन रहे और देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों आज के जो मैच है ये मैच तो दोस्तों आयोजित होता है, लेकिन इस मैच को हमारे दर्शकों को किस टाइप से मतलब किस टाइप से मनोरंजित हो जाएंगे उस चीज़ को स्पेशली हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वही बता पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो मैच को आयोजित कराते हैं उनका सारा क्या धरा है इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस बार जो मैच करा रहे हैं वो किस उद्देश्य से करा रहे हैं उसको बताइए। मैं सबसे पहले तो देखिए मैं दर्शकों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैच को हम लोग थोड़ा सा लेट से शुरुआत किए, हम लोग और साल की भांति इस बार थोड़ा सा मैच देरी से शुरू हुआ, नहीं तो पहले साल में 10 तारीख तक हम लोग लगभग कंप्लीट कर देते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा कुछ कारणवश हम लोग लेट से शुरुआत के मैच का। और टूर्नामेंट देखिए टूर्नामेंट तो अभी शुरुआत हुई है, अभी अच्छा चल रहा है और मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आइए मैच देखें, अभी तो आगे चल। मैच का समय कितना समय से स्टार्ट हो जाता है? मैच लगभग 2:15 बजे तक स्टार्ट हो जाता है जी। और यहाँ पर जो मैच कराते हैं तो हमारे दर्शकों कैसे आप मनोरंजित करने के लिए कराते हैं उसको बताइए थोड़ा सा। हम लोग कोशिश करते हैं कि मैच जो होती है वो मैच निष्पक्ष हो ताकि दर्शकों को भी देखने में आनंद लगे और टीम भी यहाँ से जो टीम हार के जाती है वो खुशी जाए ताकि अगले साल वो फिर से एंट्री करे, फिर से टूर्नामेंट बहुत अच्छा होता है। और इस बार कहाँ कहाँ की टीम स्पेशली आया जो हमें हमारे दर्शकों को बहुत ही स्पेशल लगेगा? अभी देखिए अभी तो फर्स्ट राउंड चल रहा है, अभी लास्ट सेकेंड राउंड कब से स्टार्ट हो जाएगा? सेकेंड राउंड सोमवार से स्टार्ट हो जाएगा। और जो स्पेशल टीम जैसे कि पिछले बार आया था लक्ष्मीपुर करके, वैसे कुछ टीमें अभी आएंगी? अभी बड़ी बड़ी आज ही है क्या? आज और कल है, अभी इसके बाद में फिर अच्छा टीम है, रघुनाथपुर का टीम है जी जी, और कल भी अच्छा अच्छा टीम है बाहर, उड़ीसा की टीम है, कल है उड़ीसा की टीम। धन्यवाद, अच्छा लगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ का जो खेल है उसको मैं अपने हिसाब से दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोग काफ़ी अच्छा लगेगा कि आज का जो मैच है वो रघुनाथपुर वगैरह ऐसे कुछ टीम है, लेकिन जैसे दोस्तों मैच स्टार्ट होगा सारे मेंबर से मिलाऊंगा और बताऊंगा। तो अभी तो फिलहाल दोस्तों मैं लेट से पहुंचा हूं, तो फिलहाल दोस्तों जैसे दिखा पाऊंगा वैसे दिखाऊंगा। और फिलहाल दोस्तों इधर की जो टीम है ये 3-0 की बढ़त पे है, तो अभी फिलहाल देखते हैं हाफ टाइम के बाद क्या होता है उस चीज़ को। फिलहाल दोस्तों मैच को देखने के लिए जो आए हुए हैं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी तादाद में स्पेशली आते हैं मैच को एंजॉय करने के लिए। तो हल्का टोली के सरपंच, हल्का टोली बोल तो बगल में ही है ना सर? हाँ, यहाँ पर आज का जो मैच है उसको देख के कैसा लग रहा है उसको बताइए। आज का मैच है कैसा लग रहा है आपको देख के? अच्छा लग रहा है। तो कौन सी टीम कितना गोल किए? मैं तो नहीं जान रहा हूँ तब, लेकिन अच्छा व्यवस्था नहीं है। अच्छा, बैठने की व्यवस्था उसको भी बहुत जल्दी बनाया जाएगा। सरपंच के द्वारा किया गया व्यवस्था ठीक नहीं है। अच्छा, इसे ठीक है सुनिए ना। हाँ, आपको बोल रहे हैं कि वो अभी कहाँ कहाँ की है आस्था, एक पहले उसका आस्था जीना भर, आस्था जीना भर, ये हमारा सरपंच है, इसका बैठक व्यवस्था नहीं है और इसका रोड ठीक नहीं है, सरपंच के हम लोग काम करते खेल खिलाड़ी अच्छा खेल रहे। हाँ, धन्यवाद, अच्छा लगा। छापोगे कि ऐसे ही नकली डाल दूंगा? हाँ, कौन से पेपर में डालोगे? यूट्यूब में डालता है, यूट्यूब में। रोहित बोलना चाह रहा है। हाँ, रोहित भाई क्या बोलना चाहते हैं मैच के बारे में? फिलहाल दोस्तों हाफ टाइम के बाद फाइनली मैच स्टार्ट हो चुका है, और अभी दोस्तों जो सीन है वो आस्था अभी भी 0 के कंडीशन में है और 3 की बढ़त पे है दोस्तों गिनावार की टीम, जो नाइट राइडर्स गिनावार के नाम से खेल रही है। और फिलहाल दोस्तों और गोल करती है तो उसके लिए प्लस पॉइंट होती है गिनावार नाइट राइडर्स के लिए, लेकिन ये तो फिलहाल दोस्तों गोल कोई सा टीम भी नहीं कर पा रही है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जितने मेम्बर भी आए हैं इस ये बनाओ वो बनाओ ऐसे बोलते हैं, तो मैं स्पेशली उनके भी रिक्वायरमेंट से बड़ा दिख दोस्तों यहाँ पर का जो खचाखच भीड़ है उसको दिखा दे रहा हूँ। इधर देखिए दोस्तों ये बर पेड़ है, इसके नीचे में काफ़ी बैठे हुए हैं। और दोस्तों मैं कल परसों जो आया था उस समय थोड़ा सा कम भीड़ था, लेकिन दोस्तों अभी पूरी तरह से उधर रोड में बैठे हुए हैं, इधर भी दोस्तों बैठे हुए हैं, मेरे कैमरा में अच्छे से दिख रहा होगा, और इधर भी बैठे हुए हैं दोस्तों। और ये दोस्तों अगर फाइनल जिस दिन होगा मुझे लगता है दोस्तों
आदमी आने जाने के लिए जगह नहीं बचेगा। फिलहाल दोस्तों अभी तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर उसका खेल भी रोमांचक होता जा रहा है, और देखते हैं दोस्तों फाइनल के दिन में क्या देखने को मिलता है, सारा चीज़ को दिखाऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग बन रहे बने देखते रहिए। और ये काफी दूर से यहाँ पर किक हुई है, बॉल गोल लाइन से बाहर किक करने का मौका, और हमारे समिति को जो सहयोग प्रदान करते हैं ग्रोटो लाइन की, सॉरी माफी चाहूंगा, 4-0 काफी बड़ा अंतर है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एफसी आस्था की टीम को इतनी जल्दी हताश और निराश की बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप हर मिनट में हर सेकंड में गोल कर सकते हैं। बाकी एक टीम वर्क और टीम वर्क के साथ आप जब मैच खेलेंगे तो जरूर यहाँ पर, क्योंकि आप टू एंड आई करो या मरो आप मैच में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, पसंद करते हैं। सभी गाड़ियां उस शोरूम में उपलब्ध हैं, सेलर टोली कुनकुरी और ऑनर दीपक लकड़ा सेलर टोली, माफी चाहूंगा दीपक कुजूर और पैक हाउस कुनकुरी, और जो भी लोग विज्ञापन देना चाहते हैं हमारी इस समिति के पास, हमारे समिति के जो विज्ञापन प्रभारी है आशीष जोनी क्रिकेट का, उनसे आप संपर्क करेंगे विज्ञापन के लिए, और यहां पर जरूर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नाइट राइडर्स जिला बाहर की टीम यहां पर अभिषेक चांस लेना चाहते हैं, लेकिन मिलता हुआ लेकिन फिर चुके अभिषेक लगातार कोशिश कर रहे हैं, और लगता है आस्था की टीम ने आत्मसमर्पण कर दिया है, और जहां तक मुझे लगता है कि आप मनोबल कम ना करें और मैच को जीतने के लिए अभी भी प्रयासरत रहे, तो बिल्कुल अपनी तैयारी के साथ इस मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। साथ में जितने भी दुकान लगाने वाले या होटल लगाने वाले जितने भी लोग हैं हमारी समिति संपर्क करेंगे, जितने भी दोस्तों अभी नाइट राइडर्स और आस्था की टीम में दोस्तों स्पेशली नाइट राइडर्स विजय हुई 4-0 की बढ़त पे। फिलहाल दोस्तों अब नेक्स्ट जो मैच होगा उसको दिखाता हूँ, टीम का नाम बता दो और नाम बता दो मैच के पास आ जाएंगे आप मैच राधेश्याम जिंदल समाज सेवी कुलपुरी उनके सौजन्य से किया जाएगा, क्या दौड़ कर आ जाएंगे, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा जल्द से जल्द हम अच्छे सामने आ जाएंगे। आनंद नाइट राइडर्स जिंदाबाद, बेस्ट बॉलर भाई लोग, थोड़ा सा लेट रहा दोस्तों लेकिन अभी फिलहाल मैं टीम मेंबर से मिलाता हूं और परिचय कराता हूं। नाम बता दो और नाम परिचय दे दो। जसपुर बैठक व्यवस्था है उसमें जसपुर, नाम बता दो। राहुल अभिषेक कहला भी बहुत जरूरी है, मंजीत फुटबॉल का खेल है, अंकित दर्शक इधर उधर घूम घूम के मैच कर लो, नाम बता दो भाई, लेकिन आप जगह निश्चित कर ले क्योंकि अभी ये फर्स्ट राउंड का मैच है, जैसे जैसे ये भाई नाम बता दे जाएगा सभी दर्शक जो कि अपने अपनी जगह सुनिश्चित कर लेते हैं फाइनल के मैच में आपको जगह मिलना। फिलहाल दोस्तों इनका टीम चालू होने वाला, बैठ लो भाई लो अच्छे से खेलना हमारे डीजे वाले। फिलहाल दोस्तों अभी स्टार्ट होने वाला मैच, दोस्तों मैच स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हो दोस्तों जसपुर की टीम गोल करती है पहले या रघुनाथपुर की टीम स्पेशली गोल करती है, तो फिलहाल दोस्तों जो भी टीम मेंबर स्पेशली गोल करेंगे उस टीम मेंबर से स्पेशली जाकर मिलूंगा और आपको उनको गोल करने का जो अनुभव है उसको पूछूंगा, बोले तो कैसा लगा क्या लगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी देखते हैं पहला गोल करने वाली कौन सी टीम होती है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर गुपचुप खाने गए और खेल बताना है दोस्तों इधर और इधर दोस्तों गुपचुप ठेला, गुपचुप कैसा लगा बादल भी बता दे, मस्त लगा चाचा जी, एक बार टेस्ट करने आइए एक बार यहाँ पर महीना बाहर के एक बार आइए, ठेला का ओनर है हमारे नंदू चाचा जी। हाँ बहुत ही बढ़िया गुपचुप खिलाए अभी दोस्तों, गुपचुप खा के दिल खुश हो गया, फेफड़ा उदास हो गया। और भाई भी कुछ बोलना चाहेंगे गुपचुप खा के आपको कैसे लगा उसको बताइए। एकदम मजा आया, इसलिए तो मैं खाया ना, बढ़िया से खाया और कुछ भी खाया जो भी खाने का था खाया। ठीक है बड़े भैया, नहीं नहीं वो हो गया हो गया, वो उनका दुकान है ना तो काफी अच्छा लग रहा था। फिलहाल अभी दोस्तों मैच का हाल दिखाता हूँ और बताता हूँ, हाफ टाइम होने वाला है दोस्तों लेकिन अभी तक कोई सी टीम को सफलता नहीं मिली है, और फिलहाल दोस्तों रघुनाथपुर की टीम काफ़ी
ऑफ साइड हो गया दोस्तों। और फिलहाल दोस्तों रघुनाथ की टीम, रघुनाथपुर की टीम भी स्पेशली बहुत ताकत लगा रही है कि एक गोल कर दें और थोड़ा सा सफलता मिलने पे खुशी जो होता है अलग लेवल का वो हासिल कर ले। लेकिन दोस्तों जसपुर वाली टीम भी कम नहीं है, वो भी दोस्तों काफ़ी मेहनत कर रही है और गोल दागने का कोशिश कर रही है। तो फिलहाल अभी दोस्तों गोल कोई सा टीम नहीं किया है। हाफ टाइम के बाद दोस्तों देखते हैं या फिर हाफ टाइम से पहले कोई सी टीम गोल करती है तो उसको भी देखते हैं। तो फिलहाल दोस्तों बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए। पहला गोल करते हुए दोस्तों रघुनाथपुर की टीम। और फिलहाल दोस्तों अभी मुझे लगता है कि जसपुर की टीम कुछ कर सकती है, लेकिन देखते हैं दोस्तों क्या करती है। तो अभी दूसरा गोल खाने के लिए जसपुर तैयार था, लेकिन फिलहाल दोस्तों मिस्टेक की वजह से रघुनाथपुर की जो टीम मेंबर है वो थोड़ा मिस्टेक कर दिए, नहीं तो भी दोस्तों दूसरा गोल खा जाती है। तो दोस्तों देखते हैं और कौन सी टीम किस टीम को कितना गोल क्या कर रही है। और सारी चीजें दीपाटोली के साथ जुड़ी हुई है उनका, और ये पड़ोसी गांव और वो दीपाटोली से भी और साथ में लंबी टोली से भी काफी सपोर्टर दीपाटोली को करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। तो जो गोल किया उस मेंबर को बुलाता हूं, क्या नाम है? पहला गोल किया कैसा लग रहा है टीम के लिए? फिलहाल दोस्तों हाफ टाइम के बाद फाइनली मैच स्टार्ट हो चुका है। अब देखते दोस्तों कौन सी टीम और गोल कर सकती है, क्योंकि दोस्तों 1-0 के बढ़त पे रघुनाथपुर की टीम। और फिलहाल अभी दोस्तों देखते हैं जो काला और ब्लू जो पहना है वो टीम गोल कर पाती है नहीं कर पाती है उसको देखते हैं, और बराबरी करती है या जीतती है हारती है। अरे दोस्तों वाह, लेकिन जरा दर्शक भी संभल के मैच का लुत्फ उठाएं। हालांकि हमारी मेडिकल टीम है, हम यहां से आगे बिल्कुल जाने नहीं देना चाहेंगे और इतना घायल ना हो। हालांकि आपकी पूरी दौड़ा भी अकेला दौड़ा और ये अच्छा लेकिन बॉल गोल लाइन से बाहर गई, वो दिखाई नहीं दे रही है। और आज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे समिति को, साथ में हमारे जो अतिथियों को चाय की व्यवस्था करा रहे हैं, साथ में चम्मो भाई का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा समिति की ओर से, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। साथ में राज जो कि स्नेक रेस्क्यू भी करते हैं, जिस किसी के बाद में अगर सांप बिच्छू निकले तो बिल्कुल आप उनका नंबर ले लें। हमारे मंच के सामने जो कि बैठे हुए हैं, अभी अभी मैदान में एक सांप खतरा मंडराता हुआ और हमारे बीच मैं लगातार हमारे जो कि समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि बगीचा में अभी एक बड़ी बड़ी घटना हुई, 4 लोगों का जो हादसा हुआ है। बाकी गोल 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 किस्मत, हे प्रभु ये किस्मत बिल्कुल डिपार्टमेंट के साथ तला नहीं है, खतरा मंडराता हुआ। और अभिषेक 10 नंबर की जर्सी में और ये चाहेंगे कैप्टन के रूप में यहाँ जीत का स्वाद अपने टीम को दिलाना चाहेंगे। हालांकि उनकी रणनीति शुरुआत में मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, लेकिन बहुत सारी बातें उन्होंने नहीं बताई क्योंकि रणनीति के बारे में कोई भी प्लेयर नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर हम अपनी रणनीति के बारे में बताएं। आप बिल्कुल वहां जाकर आप गाड़ियों को ले सकते हैं। और साथ में मैं दीपक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने समिति के लिए रेफरी पैनल के लिए विशेष तौर पर रेफरी पैनल के लिए उन्होंने जर्सी प्रदान की है। मैं आयचंद समिति की ओर से उन्हें मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। चंदन और यहां पर अरे गोल हो गया बिल्कुल, मैंने जैसे ही फिलहाल दोस्तों
दीपा टोली और नागपुर की टीम दोस्तों स्पेशली खेल रही थी, लेकिन दोनों दोस्तों एक एक गोल की बढ़त पे बराबरी कर लिए। तो अभी दोस्तों पेनाल्टी शूट आउट होगा, तो देखते दोस्तों इसमें क्या होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें का जो वीडियो बनेगा वो पूरा शूट करेंगे दोस्तों, वो पूरा शूट आउट को दिखाऊंगा मैं, और उसका दोस्तों पहले ही वीडियो मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों बन रहे वीडियो देखते रहिए। और दोनों ही प्लेयर्स के लिए अहम रोल, क्योंकि हम पेनाल्टी शूट आउट काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, और तो गोल को रोकने के लिए जो गोलकीपर होते हैं वो भी अहम होते हैं। और मैं निवेदन कर रहा हूँ जो दुकान लगाने वाले, ठेला लगाने वाले, जो जितने भी लोग हैं वो थोड़ा समिति से संपर्क करके ही जाएंगे, अन्यथा कल से दुकान और ठेला बंद होगा यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। पहला मौका और ये बिल्कुल किस्मत साथ देते हुए ये जरूर मैन ऑफ द मैच दीपा टोली के प्लेयर को, जिन्होंने अपनी टीम के लिए बेहतरीन योगदान दिया है। और दोस्तों आज का जो मैच हुआ था उसका पूरी तरह से जो स्कोर बोर्ड है उसको बताएंगे। दशरथ जी, काफ़ी अच्छा मैच रहा, सुपर सैटरडे रहा। पहला मैच शिलेमंडा वर्सेस बरडाण के बीच काफ़ी रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिला, जिसमें बरडाण की टीम 3-0 से मैच जीतकर अगले राउंड में पहुंच चुकी है। और दूसरा मैच वो भी काफ़ी शानदार रहा, नाइट राइडर्स गिनाबहार वर्सेस आस्था के बीच काफ़ी अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिला, लेकिन नाइट राइडर्स गिनाबहार की टीम ने 3-0 से वो भी मैच जीत कर 4-0 से मैच जीतकर अगले राउंड में पहुंच चुकी है। और आखिरी जो मैच रहा वो काफ़ी रोमांचक रघुनाथपुर ए वर्सेस डिपाटोली नगर पंचायत कुनकुरी के बीच रोमांचक मुकाबला, एक एक की बराबरी के साथ पेनाल्टी शूटआउट के माध्यम से डिपाटोली नगर पंचायत की टीम 3-2 से मैच जीतकर अगले राउंड में पहुँच चुकी है। धन्यवाद भैया। फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि अब मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ का जो भी मैच वाला सीन था, जो मैच था उसको दिखा दिया और बता दिया। तो फिलहाल दोस्तों मैं अब इस वीडियो को अंत करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब उसको दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।